हल्द्वानी में छात्र संघ का चुनाव जल्द कराने की मांग उठने लगी है, जिसे लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एनएस बनपोटी के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा है। परिषद कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की है। दरअसल छात्रों का कहना है कि 2 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, अब परिस्थितियां सामान्य हो गई हैं और अन्य चुनाव हो रहे हैं तो छात्र संघ चुनाव क्यों घोषित नहीं किए जा रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं ने जल्द चुनाव तिथि घोषित न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मोदी ने कहा है कि हम यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करेंगे, और जैसे कि अभी मंत्री जी बीच में हमारे कॉलेज पे आए थे, आपको ज्ञात होगा कुछ दिनों पहले उन्होंने आश्वासन दिया कि ये परीक्षा प्रवेश प्रक्रिया है जो पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। पिछले 2 वर्षों से कोविड के कारण जो एक्सक्यूज थी प्रशासन की कोविड, इसलिए हम चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। पर अभी 2022 में विधानसभा चुनाव संपूर्ण हुआ है, जो कि कोविड हट चुका था, अब तो कोविड भी हट चुका है, तो सब छात्रों की मांग है कि इस साल चुनाव हो, सब यही चाहते हैं। कि प्रदेश भर में हम लोगों ने प्राचार्य के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है, जिसके जिसमें हम लोगों ने मांग रखी कि 15 दिन के अंदर सभी प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव की स्थिति साफ हो। छात्रों द्वारा अभी यहाँ पर छात्र संघ चुनाव बहाल करने के लिए जो ज्ञापन दिया है, उसको हम निदेशालय स्तर से आगे को बढ़ाएंगे, जो शासन के पास पहुँच जाएगा। जो छात्रों की मांग है कि विगत 2 वर्ष से कोरोना के कारण यहाँ पर छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है, उन्होंने ये कहा है कि अब इस साल परिस्थितियाँ सब अनुकूल हैं तो छात्र संघ चुनाव होने चाहिए।